चुनाव के दौरान बीडीसी प्रत्याशी की हत्या कर शव खेत में फेंका। मैनपुरी जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लल्लूपुर निवासी प्रियंका पुत्री स्वर्गीय श्री राकेश कुमार पुत्र स्वर्गीय भारत सिंह, जो कि पिछली 15 अप्रैल 2021 को बीडीसी चुनाव के प्रत्याशी थे, चुनाव के दौरान मेरे पिताजी की चुनावी रंजिश में षड्यंत्र रच कर हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे जिले के आला अधिकारियों ने मृतक बीडीसी प्रत्याशी के शव को देखकर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिस जगह मृतक का शव पड़ा हुआ था उस जगह पर हत्या को अंजाम नहीं दिया गया है और यह साबित पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुआ था। मेरे पापा का मर्डर हुआ है जी, और जो आरोपी था वो जेल से छूट गया, वो हम लोगों को दोबारा से मारने की धमकी दे रहा है जी। ये बोल रहा है मैं जेल से छूटाया, अपने सारे साथियों को भी छुड़ा लिया, अब मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जब मौका मिलेगा तुम लोगों को मार देंगे। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बादशाह। अच्छा, कितने लोग नामित किए थे उस टाइम जब मुकदमा लिखा गया था? मैंने तो अज्ञात नहीं किए थे जी। जी, कितने लोग थे अज्ञात में? पाँच छः लोग हैं जी। तो जो गिरफ्तार हुआ था उसका क्या नाम था? उसका नाम बादशाह है। कब की घटना, कब की है ये पूरी? ये 15 अप्रैल 2021 की, यानी कि एक साल हो गया है। एक साल आज पूरे 5 दिन हो गए जी। तो आप कल मुख्यमंत्री से मिली हो क्या? दोबारा शिकायत लेके मिली हो क्या? मैं यही शिकायत लेके आई हूँ दोबारा की, इसको फिर गिरफ्तार किया जाए और इसके जितने भी साथी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री आवास पहुँचे थे आप लखनऊ मिलने के लिए, क्या वहाँ से आश्वासन क्या दिया गया था? लखनऊ से ही ये मिला है मुझे कि आप यहाँ एसपी साहब से मिलिए। ठीक है। और वहाँ पे लखनऊ के जो उप मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने लिख के दिया है ये, उनका नाम पता भी लिखा है उन्होंने, ये दिया है। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप? मैं यही चाहती हूँ जिन्होंने मर्डर किया उनको दोबारा से पकड़ा जाए और नहीं तो इस केस की दोबारा से जाँच हुई। मैं यही मामले पिताजी का मर्डर हुआ उसके केस में दोबारा जांच की जाए जी। और मतलब लोग ढूंढते हैं, वो धमकी भी देते हैं, भैया मेरा अकेला है भाई, कहता है कि उसको भी मार देंगे। अच्छा, एसपी साहब ने क्या कहा आज आप मिले? साहब ने कुछ नहीं कहा, ये कहा कि ऐसे तो कागज पड़े ही रहते हैं और कागज तो जमा कर लिया लेकिन बोला कुछ नहीं। अच्छा, तो मुख्यमंत्री से मिले थे आप, वहाँ से आदेश हुआ था? हाँ, आदेश आया, ये लेके आए हैं।